जी नमस्कार। अभी हम हैं ऐसे शख्स के पास जो लगातार सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं, लगातार 3 बार सीटेट क्वालिफाई किए हैं। मैं इनसे बात करूंगा और बातचीत में अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, ताकि आपके लिए, आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो हम सर से जानेंगे, सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम, तो सबसे पहले पूरा नाम मेरा कपिलेश्वर कुमार हुआ, लेकिन ऐसे कपिल के नाम से हम फेमस हैं। जी कपिल सर, आप क्वालिफाई सीटेट कर गए हैं जी, तो कब कब किए हैं वो भी बता दीजिए हमारे दर्शक। देखिए, सबसे पहले हम दिसंबर 2019 में पास हो गए, जुलाई वाले में पास नहीं थे 2019 वाले में, तो हम छठा चरण में शामिल नहीं हो पाए। दिसंबर में पास हुए, उसके बाद लगातार हम अभी तक पास होते आ रहे हैं, हर साल पास हो जाते हैं। ओ, अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। चलिए, आप अच्छा मार्क्स लाते हैं, जब अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आप तैयारी कैसे करते हैं कि अच्छा मार्क्स आता है, उसी तरह बच्चा भी तैयारी करे कि उसका भी अच्छा मार्क्स आए, तो आप बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि सबसे अगर अच्छा तैयारी हो तो उसके लिए सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी संस्था है, जो संस्था एक फोकस कर देती है कि हाँ इतना सिलेबस है इसका, कितना मटेरियल, कहाँ तक पढ़ना है, बट पढ़ना तो खुद है अपने अपने, जब स्टडी जब आप खुद कीजिएगा तो सफलता तो खुद रंग लाएगी। तो बच्चे पढ़ते भी हैं और फेल भी हो जाते हैं, उसका कारण तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है रेगुलरिटी। जिस बच्चे में नहीं है उसका क्या कल्याण हो सकता है? रेगुलरिटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर थोड़ा सा ही पढ़िए, बट रेगुलर होना चाहिए। नियमित होना बहुत ज़रूरी है, तो आप नियमित रहिए, रेगुलर पढ़िए और सेल्फ स्टडी करिए, तभी आप सीटेट क्वालिफाई करिएगा। लेकिन मटेरियल क्या क्या चाहिए सर, वो भी बच्चे को बता दीजिए। देखिए, मटेरियल तो मार्केट में हर मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन मटेरियल चाहिए आपको, जैसे कि सीट बनाना है तो आप जैसे मान लीजिए कि 45 दिन है अभी एग्ज़ाम का डेट शुरू होने में, तो आप लगातार रोज़ एक सेट जी 41 डेज 41 दिन बनाइए और उसी का डिस्कशन कीजिए, पास नहीं होइएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। अच्छा, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए। लेकिन प्रैक्टिस सेट में सर, शुरू में बच्चे 1-1.5 घंटा में भी प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाता है और वह उब जाता है, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उब तो जाता है, बट पहला दिन अब ज़रूरी नहीं है कि आप 150 का ही फुल टेस्ट लगाएं। जी, किसी एक सिलेक्शन को जो आपको अच्छा लग रहा हो, रुचि हो, जैसे कि उसमें पाँच उसमें सब्जेक्ट हैं, CDP है, हिंदी है, आपका EVS है, हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, इतने सारे सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को, यानी एक सब्जेक्ट जो EVS है वह 30 नंबर का है, तो आप उस 30 नंबर को ही पहले पूरा कर लीजिए एक सेट में। एक सप्ताह आप ऐसे ही चलिए, 30 ही बनाइए, एक दिन 60 बना लीजिए, इस तरह से आप बढ़ाते बढ़ाते करके आप 150 पर चौंक जाइए। जिस दिन आप 150 नंबर तक पहुंचिए, उसके बाद से आप लगातार बनाइए। सर का कहना है कि कछुए के चाल में चलिए, लेकिन लगातार रफ्तार बढ़ाइए। बिल्कुल, यही है ना सर? जी सर। तो आप बच्चे को बताइए कि NCERT पढ़ना जरूरी है या नहीं? देखिए, जैसे फर्स्ट माँ मेरी टीचर माँ होती है, उसी तरह से NCERT तो उसका जड़ ही है। NCERT तो जड़ ही है, वहीं से आपका डाली निकलता है। मेन जड़ तो NCERT ही है। अच्छा, NCERT पढ़ेगा तो CTET क्वालिफाई होगा, और CTET क्वालिफाई होगा तो शिक्षक भी बनेगा, इसलिए CTET बहुत ज़रूरी है। और सर से हम बात कर रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी रेगुलर रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, आपका CTET क्वालिफाई होगा। और पेडागोजी के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए,
पेडागोजी जो है, पेडागोजी के लिए आपको तो अध्ययन करना होगा। जब अच्छा। तक आप शांति रूप से अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा तब तक उसको आप डीपली कैसे समझ पाइएगा। अच्छा। आप समझते हैं कि अब एक बार मैं पढ़ लूँ और मुझे याद हो जाए या समझ में आ जाए, तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो एक बार में आ जाता है, ऐसा बात नहीं है, आ जाएगा। ऐसे भी जो टीचर बन रहे हैं, जो सीटेट के लिए आए हुए हैं, वे तो टेंथ लेवल के तो बच्चे हैं नहीं, उनका तो मानसिक रूप से विकास पूर्ण हो चुका। यानी वह शिक्षक बनने जा रहा है तो शिक्षक के दृष्टि से सोचना होगा। बिल्कुल, शिक्षक और बच्चों के बीच जो रिलेशन होता है, जिस माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया जा सकता है, उसको मोटो करके, उसको मुख्य भूमिका में रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एकदम सॉल्व होगा। ओहो सर, जो बता रही हैं सबसे बड़ा राज है, इस राज को आप भी अपनाइए और सीटेट क्वालिफाई करिए। और सीटेट से संबंधित हम बहुत सारे वीडियो लाएंगे, और आपको इस बार सिलेक्शन कर लेना है सातवां चरण में आके, तो इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अंतिम क्षण में सर से एक आप लोगों के संदेश क्या देते हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। सर हम तो दोस्त, हम तो सारे स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि स्टडी, आप जो भी टीचर बनना चाह रहे हैं वे लगातार वे में स्टडी करें और सीटेट क्वालिफाई करें। क्योंकि देखिए, सीटेट क्वालिफाई होने के लिए जितने भी टीचर हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पढ़ ही रहे होंगे, किसी न किसी काम में वह फंसे होंगे, कोई घर का काम है, किसी का शादी हो चुका है तो अपने परिवार में जुटे हुए हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो सब लोग अपना ध्यान उधर ज़रूर ले जाते हैं। तो ले जाते हैं, तो मेरा मोटो है कि 41 डेज, अच्छा, ओनली 41 डेज लगातार, नो एनी डिस्टर्बेंस, अच्छा, स्टडी और सेट प्रैक्टिस। समझिए कि आप 100% सफलता पक्का है। जी जी।